बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये पहले स्टेटमेंट दी हुई है, आगे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मीन्स इसका डेरिवेटिव खत्म करना है। डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हमें एंटी ऑफ द डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज इंटीग्रेशन। उससे पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे सारी वाई वाली टर्म्स कर लें और राइट साइड पे एक्स वाली टर्म्स कर लें, ठीक है। डी वाई न्यूमिनेटर में ही रहेगा, ये वाई जो है लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। डी एक्स डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, डी वाई बाय वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। वन बाय वाई का इंटीग्रल लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस, इसको अभी सी वन का नाम दे दें। देखिए हमें चाहिए वाई की वैल्यू, लॉग को कैंसिल आउट करना है। लॉग को कैंसिल आउट करने के लिए एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें, विच इज एंटी लॉग, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल आउट, वाई इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स और e की पावर सी वन, ठीक है। यहां से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स। ये e की पावर सी वन क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको आप c का नाम दे दो और ये आपके पास आंसर है, c e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, y dx, y dx प्लस x dy इक्वल्स टू जीरो। यहां से आपके पास ये आपके पास लिखा हुआ है y dx प्लस x dy इक्वल्स टू जीरो। डी वाई वाली टर्म्स को भी लेफ्ट साइड पे रहने दें और डी एक्स को आप राइट साइड पे ले जाएं। डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई डी एक्स। अब वाई वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। देखिए डी वाई के साथ एक्स दिया हुआ है और डी एक्स के साथ वाई दिया हुआ है। हमें डी वाई के साथ वाई चाहिए और डी एक्स के साथ एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वाई को इस साइड पे ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा। एक्स को साइड पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। डी वाई बाय वाई इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, माइनस डी एक्स बाय एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी, वन बाय वाई की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप बेटा लिख लें, देखें दोनों वैल्यूज हमारे पास लॉग के फॉर्म में आ रही है, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि सी लिखें या फिर लॉग ऑफ सी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कांस्टेंट है। अच्छा जी, ये नेगेटिव वैल्यू आप लेफ्ट साइड पे ले आओ, वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास क्या होता है कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बी। प्रॉपर्टी हमारे पास है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बी, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। लॉग ऑफ एक्स वाई आ जाएगा इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी, लॉग लॉग से कैंसिल आउट, एक्स वाई इक्वल्स टू सी, ये आपके पास आंसर है इसका, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स बाय वाई। वेरिएबल्स को पहले सेपरेट कर लें, वाई
डी वाई, देखिए वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आएगी वाई स्केयर बाय टू, वन की इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्केयर बाय टू, उसके बाद प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम अभी सी वन लिख रहे हैं क्योंकि आगे हमें हमने अभी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में टू आ रहा है, तो टू से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्केयर प्लस टू सी वन, ठीक है। अब टू सी वन को आप सी के इक्वल लिख लो, टू एक्स माइनस एक्स स्केयर, और यहां से आपके पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट आप यहां से एक्स को कॉमन लेके लिख सकते हैं, एक्स को कॉमन ले लें, टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स स्क्वायर, इसको भी हमने सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव खत्म करना है। डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले आप इसको अरेंज कर लें, वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले लें और एक्स वाली टर्म्स को राइट साइड पे ले लें। वाई यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, डी वाई बाय वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब देखें ये आपके पास वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, उसको न्यूमिनेटर में ले जाए उसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, लॉग ऑफ वाई, वन बाय वाई की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वाई, और यहां से एक्स की पावर माइनस टू की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन आएगा, ठीक है। और फिर यहां पे भी हम क्या कर लेते हैं, सी वन ले लेते हैं, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस वन बाय माइनस वन प्लस सी वन, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स, पावर नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में लेके गया, पावर पॉजिटिव हो गई सी वन। अब देखिए लॉग को कैंसिल आउट करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस सी वन, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल आउट, वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वन बाई एक्स और ई की पावर सी वन, यहां से आपके पास ये आ जाएगा वाई इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, विच इज आंसर, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।